चिल्वाताल थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव के भंडारो टोला में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था। यहां गुरुवार को प्रेमी के भेजे सिंदूर को मांग में सजाने से नाराज बड़े भाई ने फावड़े से काटकर बहन की हत्या कर दी थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई खुद फोन करके पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आरोपी भाई को बहन की हत्या करने पर कोई पछतावा नहीं है। आपको बता दें कि चिल्वाताल इलाके के परमेश्वरपुर गांव के भंडारो टोला में गुरुवार को बहन को मौत के घाट उतारने के बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी भाई राम गोविंद को घटना को लेकर कोई पछतावा नहीं है। उसने घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों से कहा अब वह इज्जत की ज़िंदगी जी सकेगा, भले जेल हो गई। बहन के प्रेमी के साथ जाने के बाद गांव के लोग उसे ताना मारते थे, अब इससे मुक्ति मिल जाएगी। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि पुलिस ने मृतक के आरोपी भाई को गिरफ्तार करने के पश्चात मौके से आला कत्ल फावड़ा बरामद किया है। संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी भाई को जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, कल जो है अपराह्न में लगभग 3 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम परमेश्वरपुर भंडारों में गोविंद निषाद नाम के अभियुक्त द्वारा अपनी बहन की हत्या कर दी गई। इस विषय में मुकदमा पंजीकृत है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किस चीज़ से हत्या की गई थी? फावड़े से गले पर वार करके हत्या की गई है, जिसके संबंध में आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है।